सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल शालिनीज किचन को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें और देखें मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी शालिनीज किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ साबूदाना वड़ा। इससे पहले मैंने साबूदाना खीर की रेसिपी शेयर की थी, अगर आपने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया है, आप चाहें तो वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये छोटी वाली साबूदाना ली है जिसे मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिंगो के रखा था और फिर मैंने एक छन्नी में इसे डाल के छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ड्राई लग रही है, इसकी सारी पानी निकल चुकी है। आप इसमें बड़ी वाली साबूदाना भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ बॉयल्ड और कद्दूकस की हुई आलू जिसे मैंने प्रेशर कुकर में 3 मिनट तक कुक किया था, फिर मैंने ग्रेट करके ऐड किया। फिर डाल रही हूँ मैं ड्राई रोस्ट की गई मूंगफली, इसे मैंने दरदरा कूट लिया है। फिर डालें नमक, नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं यहाँ नॉर्मल नमक यूज़ कर रही हूँ, आप अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक यूज़ करें। फिर डालें कद्दूकस की हुई अदरक, लेमन जूस, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटी धनिया पत्ती और थोड़ी सी जीरा डाल दें। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम एक डो तैयार करेंगे। हमारी डो रेडी है। यहाँ मैंने थोड़ी सी पानी ली है जिसे मैं अपने हाथों को ग्रीस करूँगी। सबसे पहले अपने हाथ को ग्रीस करें और एक छोटी सी पोर्शन लेके हम इस तरीके से प्रेस करते हुए एक बॉल तैयार करेंगे। ये देखिए हमारी बॉल ऑलमोस्ट रेडी है। इसे अपनी हथेली पर रख के इस तरीके से प्रेस करें और एक पैटी टाइप की तैयार कर लें। यहाँ मैंने ऑलरेडी तेल गरम कर लिया है। एक बार में हम 3 से 4 वड़े को तल लेंगे। यहाँ हमने फ्लेम लो मीडियम पे रखा है, हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल ना तले, अदरवाइज ये बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। हमारे वड़े तल गए हैं, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मैं सारे वड़े अब निकाल ले रही हूँ। बहुत ही क्रिस्प और टेस्टी बनी है ये। आप इसे अपने व्रत वाले दिन या कभी भी इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी आप इसे बना के खा सकते हैं। मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।